नमस्कार, मैं स्वयं श्रीवास्तव लोकनाथ से, वरिष्ठ साहित्यकार एवं जाने माने गीतकार पंडित राम प्रकाश अनुरागी जी की प्रथम पुण्यतिथि पर लोकनाथ परिवार उनकी यादों को संजोकर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करता है। पेश है लोकनाथ के दर्शकों के लिए श्री अनुरागी जी के कृतित्व एवं व्यक्तित्व पर साहित्यकारों द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। ठीक है, मैं डॉक्टर सुरेश सम्राट लोकनाथ से, महाकवि और जाने माने गीतकार पंडित राम प्रकाश अनुरागी जी की 27 मई को पहली पुण्यतिथि है। ऐसा नहीं लगता कि वे हमारे बीच नहीं हैं। अक्टूबर 1973 में ग्वालियर के 5 कवियों का एक संकलन प्रकाशित हुआ जिसका नाम था संभावना के 5 प्रवाद। इसमें पंडित राम प्रकाश अनुरागी, महेश अनक, सलीम अश्क, भगवान स्वरूप चैतन्य और डॉक्टर सुरेश सम्राट शामिल थे। 1973 से इस यात्रा के बाद अनुरागी जी ने संभावनाओं को जिस उपलब्धियों ऊंचाई तक पहुंचाया उसका प्रमाण है कि उन्होंने 2 महाकाव्य लिखे, एक बंदनीय मानस के तुलसी, दूसरा महेश जगदग्नि, 2 खंडकाव्य लिखे, तटधारा आद्योपांत और एक गीतों का संग्रह गीत प्यार के उनका प्रकाशित हुआ। एक उपन्यास जो पहले लखिया के नाम से प्रकाशित हुआ था, बाद में उसके अनेक संस्करण प्रातः की प्रतीक्षा के नाम से प्रकाशित हुए। आज नहीं लगता कि राम प्रकाश अनुरागी जी हमारे बीच नहीं है। वे ग्वालियर के गीत की पहचान थे और उनके जाने से जो स्थान रिक्त हुआ है उसका भरना असंभव है। लोकनाथ ने उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि के लिए एक विशिष्ट कार्यक्रम आयोजित किया है जो आपके सामने प्रस्तुत है। ये क्रम आगे भी आपके सहयोग से जारी रहेगा। मेरा निवेदन है कि लोकनाथ से जुड़ें और लोकनाथ को देखते रहें। धन्यवाद। मैं राजेश अवस्थी लावा, लोकनाथ जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूँ। पंडित राम प्रकाश अनुरागी जी की स्मृति में आज इस कार्यक्रम में हमारे बीच में ख्यात कवि रविंद्र रवि हैं और हमारे बीच में पंडित रामवरण ओझा जी हैं और इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाने के लिए ख्यात कवि कवयित्री हमारे बीच में सुनीत व्यास जी हैं। तो हम लोग इस बात पर चर्चा करने वाले हैं आज कि पंडित राम प्रकाश अनुरागी जी का जो गीतों के प्रति जो योगदान था वो अपने आप में शहर में हम आप सभी जानते हैं कि वो गीतों के एक ऐसे ख्यात कवि थे कि जिनको जितना ज़्यादा याद किया जाए सराहा जाए कम है। आगामी 27 मई को उनकी पुण्यतिथि है, प्रथम पुण्यतिथि है, तो उनकी स्मृति में इस कार्यक्रम में शहर के कवि कवयित्रियाँ साहित्यकार क्या अपने विचार रखते हैं इस संदर्भ में हम चर्चा करने वाले हैं। और मैं आदरणीय रविंद्र रवि जी से आग्रह करूंगा कि वो अपनी बात कहें कि पंडित राम प्रकाश अनुरागी जी के लिए उनका क्या मन है, क्या मत है। धन्यवाद लावा जी। सर्वप्रथम तो मैं महान साहित्यकार श्री राम प्रकाश अनुरागी जी की स्मृति को प्रणाम करता हूँ, उनको नमन करता हूँ और मुझे लगता है, मेरा मानना है कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मुझ जैसे अकिंचन को जी एक महान साहित्यकार का सानिध्य प्राप्त हुआ। मैं यहाँ पर श्री राम प्रकाश जी के बारे में 2 बातें उल्लेख करना चाहूँगा, 2 बातों का। एक उनका व्यक्तित्व, दूसरा उनका कृतित्व। बहुत संक्षेप में, समय कम है, जहाँ तक, क्योंकि मेरा मानना है कोई भी कलाकार हो, साहित्यकार हो, रचनाकार हो या कोई बहुत बड़ा महान व्यक्ति हो जी, उसको महान बनने के पीछे उसके व्यक्तित्व का बड़ी भूमिका होती है। पहली बार जब मैं उनसे मिला एक गोष्ठी में, मुझे आज भी याद है जी, तो बस प्रथम मुलाकात में ही मुझे उनने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। उनका व्यक्तित्व
इतना सरल था कि इतने बड़े रचनाकार होने के बावजूद अपने छोटों को कैसे गले लगाया जाए, कैसे उनका उत्साह वर्धन किया जाए ताकि उनके अंदर किसी तरह का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना आए, ये उनकी खासियत थी। हमारे बीच डॉक्टर प्रेमदास श्रीवास्तव हैं जो कि धर्मपत्नी श्री महेश अनक जी की हैं, और पंडित रामप्रकाश अनुरागी जी से आदरणीय के 4 दशक पुराने आत्मिक संबंध रहे हैं, पारिवारिक संबंध रहे हैं। तो श्री अनुरागी जी पर आप अपना मत जाहिर करें, आदरणीय डॉक्टर प्रेमला श्रीवास्तव जी। दादा अनुरागी जी की प्रथम पुण्यतिथि है, प्रथम पुण्यतिथि है, लेकिन लग नहीं रहा कि वो 1 साल पहले हम लोगों से विदा हो गए, और उनको याद करने के लिए इतनी यादें, इतने रिश्ते, इतने नाते, यहाँ सपना समृद्ध साहित्य और एक संवेदनशील गीतों के लिए छोड़ के गए हैं जो बाद में लोगों को याद आते रहेंगे। जहाँ तक मेरे व्यक्तिगत संबंधों का सवाल है कि दादा से हमारे साहित्यिक संबंध के साथ साथ पारिवारिक संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। हर परिवार में आना जाना, और मेरे फादर से उनके संबंध होने के कारण मैंने उनसे कभी नहीं कहा, कोई संबोधन नहीं दिया, क्योंकि वो मुझसे बोलते थे कि तुम मुझे चाचा कहो, और अनक जी बोलते थे कि तुम मुझे दादा कहो, इनको दादा कहो, लेकिन मैंने दोनों को ना बोलते हुए सिर्फ उनको अनुरागी जी कहा। तो मेरे संबंध, वो मुझे लड़की मानते थे, अनुज वधु मानते थे, मतलब ऐसे रिश्ते जो कि अनाम रिश्ते जिसे कोई संबोधन नहीं दिए, वो रिश्ते थे बिल्कुल। और उनका लेखन के बारे में तो उनके गीतों की क्या चर्चा की जाए, एक एक गीत उनका इतना संवेदना से भरा हुआ, मतलब जब भी सुनोगे तब भी नया लगेगा वो गीत। उसके बाद में उनने खंड काव्य लिखे मानस के, वो बंदनीय मानस के तुलसी, उसको लिखा तो उसमें फ्लैप पे मेरा मैटर दिया उन्होंने। तो मैंने उसको बोला था कि आपने मुझसे पूछा था, लेकिन मैंने मना करा था फ्लैप पे मेरा मत देना, तो बोलते थे, फोटो भी था उनके पास, सब कुछ था मेरा उनके पास। तो जब उनने लिखा तो मैंने कहा जो मैंने बोला था वही लिख दिया आपने, तो इसमें तो मैंने उनसे कहा कि मैं एक बात कहूँ आपसे, आपने क्यों लिखा है मेरे नाम से? तो बोलते बता, मैं कि इसमें आपने गरिमा को याद किया, इसमें आपने अनक जी को याद किया बिल्कुल, और माध्यम मुझे बना दिया इसके लिए कि मतलब मैंने तुमसे लिखवाया है ले जाके। तो ये थे दादा अनुरागी। गीत भी उनके कभी कभी बहुत याद आते हैं, लिखते थे शब्दों की सैया पर अर्थ का बिछोना, बिल्कुल मैं नहीं बिछाऊंगा शब्दों की सैया पर अर्थ का बिछोना, तो एक एक गीत उनका ऐसा था बहुत खूब। और शायद मेरे लिए तो पारिवारिक जन जन में संत्रास वाणी को माशार दे, दो ऐसा वरदान वाणी को माशार दे, दो ऐसा वरदान अर्थ बने संजीवनी, शब्द बने हनुमान, अर्थ बने संजीवनी, शब्द बने हनुमान। और जो गीत मां की प्रार्थना में प्रस्तुत कर रहा हूं, ये वंदना भी है, प्रार्थना भी है, वंदना गुणगान होता है, होती है, और प्रार्थना याचना होती है, दोनों ही मिले जुले भाव इस गीत में आपको मिलेंगे। एक बात और कह दूं, मां शारदे का स्वरूप यहां पर नहीं है, लेकिन जो ये गीत है ये माँ की प्राण प्रतिष्ठा का गीत है, और हम लोग सबके सब उसी का स्वरूप है, और उस स्वरूप में ही माँ की प्रतिष्ठा का ये गीत मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। अपने रूपों में आन विराजो, विराजो मैया शारदे, विराजो मैया शारदे, अपने रूप में आन विराजो, विराजो मैया शारदे।
राजहु मैया शारदे। खूंटियों से इंद्रिया तार श्याए, खूंटियों से इंद्रिया तार श्याए, बदन बनायो बीड़ा हाथ फिराए, हाथ फिराए मैया हाथ फिराए। सृजन के साजु बाज सब साजो, के साजो मैया शारदे। सृजन के साजु बाज सब साजो, के साजो मैया शारदे। विराजो मैया